इट्स बिकमिंग अ जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल, नॉट जस्ट द मुस्लिम पैलेस्टीनियंस, वहाँ पे इवन पैलेस्टीनियन ज्यूज भी हैं जो अगेंस्ट हैं इसराइल के स्टेट के, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं. सो एंड देर आर पीपल हु हैव नेवर प्रेड इन देयर होल लाइफ, बहुत सारा तरह के लोग हैं, सेक्युलर्स हैं, सम पीपल आर एथियस्ट जो खुदा को भी नहीं मानते. सो ये एक पूरी नेशन की बात हो रही है, सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं, सिर्फ रिलीजियस पीपल की नहीं हो रही. बट इट हैज़ बिकम अ रिलीजियस वॉर ड्यू टू द इशू ऑफ मस्जिद अल अक्सा. और जब अरब्स ने दे फेल्ड टू हेल्प द पैलेस्टीनियंस, तो मुस्लिम्स जो हैं एज अ मुस्लिम नेशन अंदर अंदर जो हैं लोगों ने पैलेस्टाइन की हेल्प करनी शुरू कर दी. एंड नाउ इफ़ यू सी द सिचुएशन, आप BBC देखें, गार्जियन देख लें, CNN, वहाँ के ओपिनियंस पढ़ के देखें और अलजजीरा के पढ़ के देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. दोनों तरफ जो रिपोर्टिंग हो रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है. सो इट सीम्स के जो है ना, चीज़ें वो डिफरेंशिएट होती जा रही हैं, ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं. ऑल्दो कि UN ने कहा था कि इस चीज़ को ना आप लोग अवॉइड करें, आप साइड्स ना लें, इससे सिचुएशन एस्केलेट होगी और अस एंड दे का फ़र्क ना रखें. बट ये फ़र्क आ गया है, आप देख रहे हैं वेस्ट और प्रो इसराइली एक तरफ हो गए हैं. इवन विद इन नेशंस, आप पाकिस्तान में देख लो, आप अरब वर्ल्ड में देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो इसराइल की साइड पे भी हैं. कुछ लोग हैं दे आर एक्टिंग लाइक एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड, वो कह रहे हैं कि जी हमारी दुनिया महफूज है, हम खुश हैं, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम. बट डू यू रियली थिंक कि देर इज़ नो प्रॉब्लम इन केस ऑफ कश्मीर? कैसे हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले, वर्ल्ड शुड नो व्हाट द एट्रोसिटीज़ आर बीइंग डन, और इंडिया इज़ ट्राइंग टू बिकम अ रीजनल हेजेमन. हम कितना इस चीज़ पे पीटते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टाइन तो हम ये सोचते हैं कि ये मामला हमारे नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है, हमारे लिए ये जो है ना. बट डू यू थिंक इट विल स्टॉप हेयर? इफ़ इंडिया इज़ सपोर्टिंग इसराइल, तो क्या इसराइल इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ कश्मीर? देन वेयर विल वी गो? फिर जो है जब वो इकट्ठे होके दोबारा से, बिकॉज इफ़ यू सी हिस्ट्री तो ऐसे ही होता है, मेजर पावर्स जो होती हैं जब वो किसी पर अटैक करना होता है तो वो वन बाय वन, इस्लाम के साथ तो ऐसे ही होता रहा ना कि हमेशा इकट्ठे जब मुसलमान होते हैं उन पर कोई अटैक नहीं कर सकता, लेकिन जब उनको डिवाइड कर दो ऑन एनी बेसिस, वेदर इट बी नेशनैलिटी, लिंग्विस्टिक्स, कुछ भी हो, आप उनमें डिविजन्स कर दो, फिकी मामलात में उनको डिवाइड कर दो, तो फिर यू कैन अटैक देम इजीली. सो दिस इज़ द इशू जिसके ऊपर सारे मुस्लिम वर्ल्ड की एक राय होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑल्दो कि वो एक नेशन है पैलेस्टाइन और अब तक नेशनैलिटी की बेस पे उन्होंने अरब वर्ल्ड से मदद मांगी थी, बट नाउ दे आर सीइंग टुवर्ड्स द मुस्लिम उम्मा, एज ए उम्मत वो ही बात कर रहे हैं. एंड यू मस्ट हैव सीन द वीडियोस जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें बचाने बेशक ना हो, वी विल डाई, इस तरह के आ रहे क्लिप्स कि हम आज हैं कल नहीं होंगे. बट डोंट गिव अप ऑन अलक्सा, अलक्सा मॉस्को उनको ना दे देना, कम फॉर अलक्सा. सो दिस इज़ द थिंग. और लाइक जस्ट कंपेयर द ओपिनियन पेजेस, आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो ना तो अलजजीरा को ओपन करके देखो और CNN को, दोनों को कंपेयर करो, देर इज़ हेल ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस उन दोनों में. उन दोनों की रिपोर्टिंग देखो, वन इज़ स्ट्रेट फॉरवर्डली सपोर्टिंग इसराइल और वो बात ऑल्दो ऐसी कर रहे हैं कि जी वो वर्ल्ड इशूज़ की, बट पैलेस्टाइन के बारे में इंतहाई एरोगेंट रवैया है. दे डोंट वॉन्ट टू एक्नॉलेज कि इसराइल ने कभी किसी के साथ बुरा किया था, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाइक शायद हमास ने होलोकॉस्ट ही कर दिया इसराइल पे, दे आर प्रिटेंडिंग लाइक दिस. सो दैट बींग सेड, नहीं हो रही. सो कमिंग टूवर्ड्स ओमान एंड कतर, अच्छा ओमान एंड कतर का सीन ये है कि इन दोनों ने ही कभी भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं रखे. हाँ, कतर और ओमान में एक चीज़ कॉमन है दोनों में, कि दे आर वेरी गुड एट डिप्लोमेसी. सो इन्होंने इवन जब सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुक शुरू से ख़राब रहे हैं, दे गिव अ प्लेटफॉर्म टू ऑल काइंड ऑफ पीपल. वो ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुक रखते हैं एंड कतर के साथ भी, और उसके साथ साथ अपनी नेबरिंग पावर्स UAE, सऊदीया, बहरीन वगैरह जो कि इंतहाई अगेंस्ट है ईरान के, उनके साथ भी, एंड सिमिलरली दे डिड विद इसराइल. उन्होंने इसराइल के लोगों के साथ भी ताल्लुक अच्छा रखा और उन्होंने पैलेस्टीनियन कॉज को भी सपोर्ट किया. सिमिलरली इफ़ यू सी के कतर ने ये जो तालिबान वाली डील करवाई थी, तो ये भी उन्होंने US को भी एक टेबल पे बिठाया, तालिबान को भी बिठाया. सो दे आर अडेप्ट एट दिस थिंग.
अब यहाँ पे कतर के ताल्लुकात ख़राब होते हैं 2009 में. देर वॉज़ अ सीन के कतर वॉज विलिंग टू सेंड सम कंस्ट्रक्शन मटीरियल टू गज़ा, और उसको इसराइल परसीव ऐसे कर रहा था कि दे विल कंस्ट्रक्ट बंकर्स और हमास की हेल्प होगी इससे, और हमारे अगेंस्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे गज़ा में जो टेररिस्ट है. और कतर जो है उसको बड़ा बुरा लगा, और इवन ये वर्ल्ड का अल जज़ीरा उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई इसराइल ने, कहा कि जी इसराइल में एंटर नहीं हो सकते अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट. और इवन अरब वर्ल्ड में यूएई और सऊदी अरेबिया बहरीन वगैरह में एक ब्लॉकेट किया था, डिप्लोमेटिक ब्लॉकेट किया था कतर का, तो उसमें वेस्टर्न कुछ मैकिनेशंस शामिल थी बिकॉज कतर वॉज नॉट कंप्लाइंग विद द डिज़ाइंस ऑफ यूएस एंड इसराइल ऑब्वियसली. और ओमान जो है, ओमान के ताल्लुकात अच्छे रहे उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सुल्तान काबूस के दौर तक, बट नाउ ओमान और कतर दोनों ही इसराइल के अगेंस्ट हैं. स्पेशली इन दिस केस ओमान के 2000 में ताल्लुकात ख़राब हुए थे जब सेकंड इंतफादा हुई थी. इफ़ यू रिमेंबर सेकंड इंतफादा में मिसाइल्स का फर्स्ट टाइम कसाम मिसाइल्स का यूज़ किया था हमास ने, एंड दोज मिसाइल्स उनकी ख़ास बात यह है कि वो उन्होंने बगैर किसी फॉरेन एड के खुद लोकली प्रोड्यूस किए थे. जी अब आ जाएं पाकिस्तान की तरफ. तो पाकिस्तान में ये इशू उठना शुरू हुआ था इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में. पीपल स्टार्टेड पीपल क्या अवाम इन सारी कंट्रीज़ की अगेंस्ट है इसराइल के, जो प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी अवाम है वो अगेंस्ट होती है हमेशा से. कोई भी इस तरह के नाइंसाफी उस पर इकट्ठे नहीं होते लोग. हाँ कुछ लोगों के अपने बेनिफिट्स होते हैं, कोई मफाद होते हैं हिडन, तो वो कॉज को प्रमोट कर रहे होते हैं. सो शोर उठा जी फिशेल बिन खालिद, ही क्लेम्स टू बी अ पाकिस्तानी ज्यू. आई डोंट नो पाकिस्तानी ज्यू कैसे है वो, लेकिन दिस पर्सन ही लिव्स इन कराची. तो कराची से ये गया इसराइल, और वो भी एक पीस मिशन के साथ गया था जिसमें अहमद कुरैशी नाम के एक पीस एक्टिविस्ट भी थे, और उस पर भी इनकी आई वॉज वॉचिंग एक्स पे लोगों ने कमेंट किया हुआ था व्हेन ही शेयर्ड द पिक्चर्स ऑफ हिज इसराइल विजिट. तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान के पासपोर्ट में परमिशन ही नहीं है इसराइल जाने की, तो हाउ डिड यू मैनेज टू गो टू इसराइल. और इसमें भी बहुत सारी बातें की जाती हैं कि इट वॉज डिसाइडेड, ये एक विजिट था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको भेजा था, मैनी थिंग्स आर बीइंग सेड. खैर फिशल बिन खालिद ने जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पिक्चर्स शेयर की कि जी हैं पाकिस्तान से पहली दफ़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, मसाला जात थे कुछ फ्रूट्स वगैरह थे वो इसराइल में, और अब जी हमारे ट्रेड ताल्लुकात बन जाएंगे, इस पर एक बहुत अवामी रद्द अमल आया था. इट वॉज़ बैक इन 2022. तो खैर गवर्नमेंट ने उसको वेमेंटली डिनाई किया था, और इवन इमरान खान ने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, हम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़े हैं, हम उन लोगों की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं कर सकते. सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इट. खैर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन उसमें एक र्यूमर ये फैल गया कि शायद इंटरनली पाकिस्तान भी, क्योंकि ये हो भी सकता है बिकॉज इन वेक ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स, और जब अरब नेशंस कर रहे थे, सऊदीया भी अपने ताल्लुक नॉर्मलाइज करने जा रहा था इसराइल के साथ. सो इट कैन बी एनी थिंग कि जी गवर्नमेंट ने सोचा हो, डिसाइड किया हो कि जी हम भी कुछ करें, हमें कोई ट्रेड बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट इट शुड बी रिमेंबर कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट है, एंड वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ दिस ट्रेड जिसमें पैलेस्टीनियंस का ब्लड लगा हो, और जो एक कॉलोनियल पावर से आ रही हो, एक ऑप्रेसिव पावर, एक जेनोसाइडल जिसका रोल हो, सो वी डोंट नीड दैट. और दूसरी बात यह कि हमारे कश्मीर कॉज के ऊपर इसका बहुत बड़ा धचका लगता है, बिकॉज देन हम किस मुँह से क्लेम करेंगे कि जी कश्मीर की मज़लूम आवाम का साथ दें दुनिया, और देखें कि जी वहाँ पर इंडिया ने जो है ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है. हाउ कैन वी से दैट अगर हम खुद ही इसराइल जैसी एक पावर को रिकग्नाइज कर सकते हैं. सो इवन इफ देयर वॉज सम केस, इट हैज़ बिन बरीड फॉर एवर, बिकॉज अब जब ये जिसको मैं कहूँगी कि इट्स नाउ थर्ड इंतफादा, तो इसमें जो है इस अपराइजिंग के बाद बिल्कुल अवाम के सेंटिमेंट्स अगेंस्ट इसराइल हो गए हैं. इवन सऊदी अरेबिया के जो प्लान्स थे टू नॉर्मलाइज इट्स रिलेशंस विद इसराइल, वो भी मिट्टी में पड़ गए हैं. और ओमान एंड कतर, उन्होंने भी डिनाउंस कर दिया. इवन ओमान ने तो मैकडोनल्ड्स पे आज मैं पोस्ट देख रही थी, उसको बायकॉट कर दिया बिकॉज मैकडोनल्ड ने ऐलान किया था, और तो ओमान ने कहा कि बस ठीक है, हमने सारी इनके आउटलेट्स बंद कर दिए, ओमान में मैकडोनल्ड्स काम नहीं करेगा.
अच्छा जी, कमिंग टूवर्ड्स ईरान, तो ईरान का भी केस ये है कि रजा शाह के दौर में, जो कि इनका किंग था रजा शाह पहलवी, ही वॉज प्रो वेस्टर्न, तो उसके दौर में इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुक थे, बट 1979 में जब रेवोल्यूशन आई और इमाम खमीनी आ गए, तो उसके बाद से ईरान और इसराइल में हॉस्टिलिटीज़ चलती आ रही हैं, और इवन जो है इसराइल ने इस पे साइबर अटैक भी किया था ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे, और बहुत सारे रिएक्टर्स ख़राब कर दिए थे, एंड बहुत सारी चीज़ें इस जगह पे चल रही हैं। सो इफ़ यू सी द मैप, तो आप ये देखोगे कि ये सारी कंट्रीज़ के एन दरमियान में इसराइल बैठा है और हॉस्टिलिटीज़ हैं। नॉर्मलाइज अगर ताल्लुकात होते भी हैं तो वो गवर्नमेंट के लेवल पे होते हैं, दे डोंट सीप इनटू द लाइक डेमोक्रेटिकली अगर आप देखो तो अवाम की जो मर्ज़ी है ना वो नहीं है इसराइल के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात में। इन सारे कंट्रीज़ को आप देख लो ना, तो रिलीजियसली भी वो लोग अगेंस्ट हैं टू हैव टाइज विद इसराइल। हाँ, एक माइनॉरिटी है लोगों की, गवर्नमेंट है उसमें, उसमें लेफ्टिस्ट्स हैं जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स के हैं, और बेसिकली उसी चीज़ को दिखा के इसराइल जो है वो एक रीजनल पावर बनने के ख्वाब देख रहा था, बट फिलहाल जो है उसके सारे जो प्लान्स थे वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इन दिस एस्केलेशन द कंट्रीज़ आर वेरी क्लियर अबाउट देयर स्टांस, उन्होंने किसके साथ होना है और किसके साथ नहीं। फ़िलहाल सिर्फ इन सारी कंट्रीज़ में बहरीन ने फेवर में प्लान दिए बयान के जी इसराइल के साथ है वो, और पैलेस्टीन के अगेंस्ट उसने कुछ बातें की, बट ओवरऑल जो सारी कंट्रीज़ हैं इवन जिन्होंने एक्सप्लिसिटली भी नहीं कहा, दे शायद उनकी कुछ मजबूरियां हैं पॉलिटिकल, लेकिन वो इसराइल के फेवर में नहीं बयान दे पा रहे, इवन इफ़ दे आर विलिंग फ्रॉम इनसाइड के जी हमारे रिलेशंस होने चाहिए लाइक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो मोहम्मद बिन सलमान को भी पैलेस्टाइन के फेवर में एटलीस्ट बोलना पड़ा, इवन इफ़ ही वॉज़ नॉट विलिंग। सो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम।